और अब कोरोना से जुड़े ताजे आंकड़े आपको दिखा देते हैं। पिछले 24 घंटे में कितने मामले बढ़े हैं। दरअसल 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। हालांकि 20,500 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 582 मरीजों की जान गई है। कल के आंकड़ों को जोड़कर कोरोना के कुल मामले देश भर में 9,36,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 5,92,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24,000 मरीजों की अब तक कोरोना से जान गई। बात अब बाढ़ और बारिश की करेंगे। कई राज्यों में मॉनसून की बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिससे बड़ी आबादी पर खतरा मंडराने लगा है। उफनती लहरों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये हाल देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार के कई जिलों में हालात बिगड़ गए। बाढ़ ने देश के बड़े हिस्से को बेबस कर दिया है। कई राज्यों में उफनती नदियां शामत बनकर टूटी हैं। लहरों ने जिंदगी को डरा दिया है। कहीं घर जल समाधि ले रहे हैं तो कहीं खेती की जमीन जलमग्न हो चुकी है। बाढ़ का ये संकट काल किसी एक राज्य के लिए नहीं, कई इलाके की तस्वीरें बदहाली की सच्चाई बयां कर रही हैं। भारी बारिश के बाद अलग अलग राज्यों से गुजरने वाली नदियों का कहर टूटा है। सबसे खराब हालत बिहार में दिख रही है, जहां श्राप समझी जाने वाली कोसी खतरनाक होती जा रही है। उसी बिहार में बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक जैसी नदियां भी तबाही मचाने को बेताब हैं। यूपी में घाघरा, सरयू, राप्ती जैसी नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और अन्य सहायक नदियों का कोहराम मचा है, तो बंगाल में तीस्ता नदी की उफनती लहरें तबाही ला रही हैं। कुछ नदियों में तो लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, उसके दायरे में आने वाले गांव घर डूबते जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि देश के किन किन राज्यों में ये आफत टूटी है। सबसे पहले दिखाते हैं बिहार के अलग अलग शहरों की हालत। लहरों ने नींव खोखली कर दी तो इस स्कूल की इमारत को गिरने में देर नहीं लगी। ताश के पत्तों की तरह स्कूल बिल्डिंग धराशायी हो गई। ये तस्वीर भागलपुर के नवगछिया की है। यहाँ कोसी का कहर दिख रहा है। नदी की धार की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा कितना ज्यादा है। कोसी का कहर सहरसा में भी दिख रहा है। तस्वीरें मुसीबत की गवाही दे रही हैं। कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, उन तक पहुंचने के लिए नाव ही साधन बचा है। रक्सौल का ये हाल देखिए, ट्रैक्टर पर बाइक लादकर दूसरे किनारे पर पहुंचाया जा रहा है। लोग कमर भर पानी में डूबकर सफर करने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से रामगढ़वा प्रखंड में ये सड़क बह गई, इससे कई गाँव का संपर्क कट गया। मुजफ्फरपुर में बागती का कहर टूटा है। नदी में लहरों का ये रौद्र रूप देखिए, पूरे इलाके में पानी भर गया है। गांव घर समझ से परे हैं, जहां खेती होती थी वहां सब कुछ जलमग्न है। घरों में पानी भरने के बाद लोग सड़क के किनारे एक एक दिन गुजारने पर मजबूर हैं। बिहार में नदियों का जाल बिछा है, उसी में से एक है बूढ़ी गंडक, जो इन दिनों मोतिहारी जिले में तबाही मचा रही है। लगातार बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बूढ़ी गंडक में जबरदस्त उफान है, जिससे कई गाँव की बड़ी आबादी प्रभावित हो चुकी है। अब बिहार के सीतामढ़ी से आई ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। नदियों में जलस्तर ऐसा बढ़ा है कि ये लहरें सब कुछ लील लेने को बेताब हैं। बाढ़ ऐसा है कि NH 104 पर पानी भरने लगा है। किसानों की कई एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। लोग जान आफत में डालकर भी सफर करने को मजबूर हैं। लहरों से जिंदगी की जंग शुरू हो गई है। सीतामढ़ी से केशवानंद, मोतिहारी से सचिन पांडे, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और रक्सौल से गणेश शंकर के साथ सुजीत झा, सहरसा आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, टिकते रहिए आज। आपको दिखाते हैं इजिप्ट की तेल पाइपलाइन में लगी भीषण आग की तस्वीरें। दरअसल इजिप्ट के शुकेर मोस्टरॉड क्रूड ऑयल पाइपलाइन में कल भीषण आग लग गई।
आग में 17 लोग झुलस गए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये वीडियो, जिसमें दिख रहा है साफ तौर पर कि पाइपलाइन के पास खड़ी कारें किस तरीके से जल गईं। धुएं का काला गुबार काफी दूर तक नजर आया। मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहरी इलाकों के हाईवे से ये तेल पाइपलाइन गुजरती है और इसी वजह से हाईवे पर खड़ी कारें आग की चपेट में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।